ये देखो देखो ये तस्वीर में तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो। किसी ने तुम्हें रोका नहीं कि तुम एक अंधी लड़की से शादी क्यों कर रहे हो? अरे नहीं पगली, बल्कि मेरे इस फैसले से सभी घर वाले बहुत खुश थे। ये देखो बाबूजी कितने खुश नजर आ रहे हैं। आया माँ अपनी बिंदिया। हाँ ये देखो इसकी तस्वीर इस एल्बम में आपने क्यों लगा दी? क्या मतलब? ये ले, लगा दे इंजेक्शन, बेहोश हो जाएगी हरामजादी। नहीं। पूजा क्या हो गया तुम्हें? ये उन बदमाशों के ग्रुप का आदमी है जिन्होंने मुझे मारने की कोशिश की थी। ये क्या कह रही हो पूजा तुम? हाँ मैंने अपनी आंखों से देखा उसे गलत काम करते हुए। किस तरह का गलत काम करते हुए देखा तुमने इसे? ये उन लोगों में से है जो लड़कियों की नंगी फिल्में बनाता है। एक बार ये लोग मुझे भी उठा कर ले गए थे और मेरे साथ इस तरह की ज्यादती करने की कोशिश की थी। तब किसी तरह मैं वहाँ से भाग गई थी और वहाँ तुम मिले थे, याद है तुम्हें? तब यही मेरी तस्वीरें खींच रहा था, यही मेरी तस्वीरें खींच रहा था। नहीं बन जाइए, अगर मुझे पता होता कि वो आपका भाई है तो मैं आपको ये सब कभी नहीं बताती। आपको मेरी कसम, नंदू को माफ कर दीजिए। मुजरिम को माफी नहीं, उसे सजा दी जाती है। सिद्धार्थ, रुक जाओ सिद्धार्थ, रुक जाओ। रो मत बेटी, रो मत। पश्चाताप के आंसू तो मुझे बहाने चाहिए। इस घर में राम के भाई के रूप में लक्ष्मण की जगह रावण ने जन्म लिया। बाबूजी, पता तुम लोग प्ली फिल्म बेचते करी? हाँ हाँ, किससे खरीदते हो? आपके भाई, आपके भाई नंदू से। और कौन कौन आ रहा उसके साथ? और मैंने मंत्री आदर्शवर्धन के साथ उनको देखा है, वो अक्सर यहाँ उनके साथ गाड़ी में आते जाते रहते हैं। कहाँ ब्लू फिल्म बनाते हैं वो लोग? उन लोग का अड्डा कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। बता। मुझे नहीं मालूम। बता। मुझे मालूम है। पता आदर्शवर्धन कहाँ है? वो हेड ऑफिस में, हेड ऑफिस में। I'm sorry, baby. ये फैक्ट्री हमने इसीलिए खोली ताकि इंजीनियरिंग के सामान के साथ साथ हम आराम से ब्लू फिल्म भी एक्सपोर्ट कर सके और किसी को कुछ भी पता ना चले। वो तो ठीक है स्वामी जी, लेकिन आपने दिल्ली बात की कि नहीं? तुम फिर मिनिस्टर बन जाओगे, तब तक तुम यही फैक्ट्री में रहना, यहाँ कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। परिंदा तो आ गया स्वामी जी।
खत्म करो। बचने में पाया आज। हमारा फार्मूला है कि हम पहले सहज चटा कर मारते हैं, अगर उससे नहीं मरा तो जहर देकर मारते हैं। तुमने हमारा सहज वाला रूप देखा है ना, अब ये जहर वाला रूप देखो। हमारा देश साधुओं और फकीरों का देश है। ये तो अच्छा हुआ कि तुम्हारा ये कमीनापन सिर्फ मैंने देखा, अगर दुनिया वाले देख लेते तो उनका तो साधु संतों पर से विश्वास उड़ जाता। लोग तो सिर्फ रुपये और इज्जत पर डाका डालते हैं, मगर तुमने हमारे विश्वास पर डाका डाला है। तुम्हें जितनी भी खतरनाक मौत दी जाए वो सजा कम होगी तुम्हारे लिए।
आना भैया। लपचा दे दे मुझे। अरे चल हट। नंदो लपचा दे दे मुझे। आ गया तो बच्चे को नीचे फेंक दूंगा मैं। नंदो मैं बोल रहा हूँ बच्चा दे दे मुझे। अगर आ गया तो बच्चे को नीचे फेंक दूंगा। रुक जा रुक जा, मैं जा रहा हूँ मैं जा रहा हूँ। नंदो भैया 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 मुझे बचा, मुझे माफ कर दो भैया। मेरे भाई मैंने तुझे माफ किया, ऊपर आ जा तू। मुझे माफ कर दो भैया, मुझे माफ कर दो भैया। हाँ नंदू मुझे बचा लो भैया। नंदू नंदू